थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 10 बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट पार्ट 6 का अध्ययन करेंगे। तो देखिए बेटा, आज हम लोग पार्ट 5 के बचे हुए भाग का अध्ययन करेंगे। पार्ट 5 में आपको जो है प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में जो है बताया गया था। इसके बाद आज हम लोग उसी पार्ट का बचा हुआ भाग पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, हम लोग यह जानेंगे अप्रकाशिक अभिक्रिया, जिसे आप लोग ब्लैक मैन रिएक्शन या डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इस ब्लैक मैन रिएक्शन या डार्क रिएक्शन को आप केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से बेटा? केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। इस साइकिल में आप लोग जो है देखेंगे फास्फोरिलीकरण। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में बताया गया था कि फास्फोरिलीकरण की क्रिया में एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है, इसलिए एडीपी से एटीपी बनने की प्रक्रिया को हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा? फास्फोरिलीकरण कहते हैं। अब यह देखेंगे कि जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का प्रतिपादन सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था ब्लैक मैन। ये क्या थे? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक थे, और ये जो ब्लैक मैन वैज्ञानिक थे, इन्होंने अप्रकाशिक अभिक्रिया या केल्विन चक्र का प्रतिपादन किया, इसलिए इसे हम आप लोग ब्लैक मैन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और यह अभिक्रिया आप बता सकते हैं बेटा, हरित लवक के स्ट्रोमा नामक भाग में होती है। यह क्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा नामक भाग में होती है, और आपको पता भी है और आप जानते भी हैं कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है यह हरित लवक के ग्रेना नामक भाग में संपन्न होती है, और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है यह हरित लवक के स्ट्रोमा नामक भाग में संपन्न होती है। इसलिए आप इस अप्रकाशिक अभिक्रिया को C3 चक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? C3 चक्र कहते हैं। इस C3 चक्र क्या है आप बेटा बताएंगे? इस चक्र में बनने वाला प्रथम अस्थायी यौगिक फास्फोरिक अम्ल में 3 कार्बन अणु होते हैं, इसलिए इस चक्र को हम आप लोग C3 चक्र कहते हैं। एक बार और आप देख सुन लीजिए, C3 चक्र किसे कहते हैं आप बता सकते हैं? इस चक्र में बनने वाला प्रथम अस्थायी यौगिक फास्फोरिक अम्ल में 3 कार्बन अणु होते हैं, जिसे हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा? C3 चक्र। और इसी C3 चक्र को आप केल्विन साइकिल कहते हैं, अर्थात केल्विन चक्र कहते हैं, जिसका प्रतिपादन सबसे पहले ब्लैक मैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब देखते हैं बेटा, इस चक्र में या इस चक्र की अभिक्रियाओं को निम्नलिखित पदों द्वारा जो है समझा जा सकता है।
निम्नलिखित पदों द्वारा समझा जाता है। तो आप पहले पद में देखेंगे कि वायुमंडल से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ पदार्थ प्रकाशिक क्रियाओं से प्राप्त NADP H2 के H+ से अवकरण होता है। कहने का मतलब यह है, पहले स्टेप में देखेंगे कि जो अप्रकाशी का क्रिया है, आप बता सकते हैं कि वातावरण से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ विशेष पदार्थों की उपस्थिति में प्रकाशिक अभिक्रियाओं से प्राप्त NADP H2 के H+ से अवकरण होता है और PGAL का निर्माण होता है। PGAL फॉस्फोग्लिसरलडिहाइड, PGAL का पूरा नाम आप बता सकते हैं, फॉस्फोग्लिसरलडिहाइड। क्या बताएंगे बेटा? फॉस्फोग्लिसरलडिहाइड। इसलिए फर्स्ट स्टेप में आप ये बता सकते हैं, जो पहला स्टेप था वातावरण से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ पदार्थों की उपस्थिति में NADPH2 का H+ में अवकरण होता है और PGAL नामक पदार्थ भी बनता है। अब देखेंगे इस पहले स्टेप में या इस क्रिया में निम्नलिखित अभिक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, निम्नलिखित अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। आप बता सकते हैं सबसे पहले 5 कार्बन वाले यौगिक RUBP, जिसे आप राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट कहते हैं, के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के अणु मिलकर 6 कार्बन अणु वाले एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो अप्रकाशी का क्रिया है, इसमें यह क्रिया निम्नलिखित पदों में संपन्न होती है। पहला पद आपको बताया गया वातावरण से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ पदार्थों की उपस्थिति में NADPH2 का H+ में अवकरण होता है और PGAL का निर्माण होता है, जिसे आप फॉस्फोग्लिसरलडिहाइड कहते हैं। और यह जो क्रिया है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में संपन्न होती हैं। पहला पॉइंट्स आप बता सकते हैं इसमें, सर्वप्रथम राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का अणु, कार्बन डाइऑक्साइड के अणु मिलकर 6 कार्बन वाले एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हो बेटा, राइबुलोज, इसमें आप पहला पॉइंट देख सकते हो RUBP, इसको RUBP मतलब राइबुलोज बाई फॉस्फेट कह सकते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6, RUBP के 6 परमाणु, तो कहने का राइबुलोज बाई फॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर 6 कार्बन वाले एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे बेटा हम आप लोग लिख सकते हैं 6C6। यह क्या है? अस्थायी यौगिक। क्या है? अस्थायी यौगिक है। इसके बाद आप देखेंगे इस पहले स्टेप में जो दूसरा पॉइंट है,
दूसरे पॉइंट्स में आप बता सकते हैं बेटा, यह कार्बन यौगिक जो अस्थायी यौगिक है इसको आप कह सकते हैं, यह कार्बन यौगिक शीघ्र ही अपचयित होकर तीन कार्बन अणु वाला पीजीए, पीजीए मतलब फास्फोग्लिसरिक एसिड, फास्फोग्लिसरिक एसिड बना लेता है जो बाद में अपचयित होकर पीजीएल का निर्माण करता है। इसका मतलब यही हुआ बेटा, यही जो अस्थायी यौगिक है 6C6, ये क्या है? अस्थायी यौगिक है। और यहां यश प्लस आयन का क्या हो रहा है बेटा? अपचयन हो रहा है। और जब अपचयन होता है यहां पर आप बता सकते हैं पीजीए का निर्माण होता है, पीजीए जिसको हम आप कह सकते हैं फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। और यही फास्फोग्लिसरिक एसिड बाद में अपचयित होकर के पीजीएल का निर्माण करता है। और इस पीजीएल को आप लिख सकते हैं बेटा 12 पीजीएल, आप यह बता सकते हैं 6C6 एक अस्थायी यौगिक है जिसके द्वारा 12 पीजीए का निर्माण होता है जो बाद में अपचयित होकर के 12 पीजीए बना लेता है। तो पहला स्टेप ये आपका हो गया केल्विन चक्र में, जिसे आप अप्रकाशीय अभिक्रिया कर रहे हो। और तीसरे स्टेप में आप बता सकते हैं बेटा, तीसरे स्टेप में आप बताएंगे दूसरे स्टेप में आप बताएंगे अपचयन के बाद जो पीजीएल बनता है इनके दो अणु आपस में मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो कहने का मतलब ये जो पीजीएल है इसको आप 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड कर रहे हैं, ये 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड और एटीपी NADPH2 का रिडक्शन होगा, एडीपी बनेगा और उसका फास्फोरिलीकरण होगा तो ट्रायोज फास्फेट और ग्लूकोज बनता है, ट्रायोज फास्फेट और ग्लूकोज बनता है। तो हम आप लोग यहाँ सेकंड स्टेप में देख सकते हैं कि अपचयन के बाद पीजीएल के दो अणु आपस में मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और जो ग्लूकोज बनता है आप बता सकते हैं बेटा मंड, इसको कह सकते हैं मंड कह सकते हैं। और जो मंड होता है ये पादपों में क्या करता है, पौधों के अंदर होता है, इसलिए हम आप यहाँ बताएंगे पौधों में भोजन का जो संग्रह होता है वह स्टार्च अर्थात मंड के रूप में होता है। और जो जंतु होते हैं, जंतुओं में जो भोजन का संग्रह होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो आप यहाँ बता सकते हैं जो फास्फोग्लिसरिक एसिड या फास्फोग्लिसराइड का अपचयन होगा तो ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा बेटा? ग्लूकोज। तो जो फास्फोग्लिसराइड होता है इसका सूत्र आप बता सकते हैं C3H5O3, C3H5O3 का अपचयन होगा। क्या होगा? अपचयन होगा। और अपचयन के बाद क्या बनेगा बेटा? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज C6H12O6। इसी C6H12O6 को आप मंड भी कर सकते हैं जो पौधों के अंदर रहता है, पौधों के अंदर। और समीकरण को आप बनेंगे यहाँ पर 2 लगा देंगे, क्या लगा देंगे बेटा? 2 लगा देंगे और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयन, तो आप कह सकते हैं इसको ग्लूकोज। क्या कहें? इसको ग्लूकोज बोलते हैं। इसके बाद बेटा देखेंगे कि जो तीसरा स्टेप होता है, तीसरे स्टेप में आप देखेंगे अंत में जो पीजीएल होता है, जो फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है और राइबुलोज बाई फास्फेट का रीजनरेशन होता है, पुनर्जनन होता है। ये जो 12 पीजीएल होता है
बता सकते हैं इसका क्या होता है, पुनः रीजनरेशन, पुनर्जन्म हो जाता है। और यह पदार्थ अभिक्रिया को चलाने के लिए पुनः उपलब्ध हो जाता है। और इस चक्र का रेखीय चित्रण आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इस चक्र का रेखीय चित्रण यहाँ आपको सामने प्रस्तुत किया गया, दिखाया गया है। तो देखिए बेटा, इस केल्विन चक्र में तीन अवस्थाएं आती हैं, आप देख सकते हैं राइबुलोज बाइफॉस्फेट, इसके बाद कार्बोक्सिलीकरण पीजीए का अपचयन और राइबुलोज बाइफॉस्फेट की पुनः उत्पत्ति, ये आप बता सकते हैं केल्विन चक्र के बारे में। एक बात संक्षेप में आप उसको बेटा देख लीजिए, सबसे पहले आप पढ़ रहे थे अप्रकाशिक अभिक्रिया, मैं दोबारा रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ जाए और बोर्ड एग्जाम में यह इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि केल्विन चक अर्थात ब्लैक मैन रिएक्शन के बारे में जो है एनसीईआरटी पैटर्न या एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में दिया गया है और बोर्ड की एग्जाम में यह क्वेश्चंस आता है और इम्पॉर्टेंस क्वेश्चंस भी है। क्या बता, इम्पॉर्टेंस क्वेश्चंस भी है। तो हम आप यह बता सकते हैं बेटा अप्रकाशिक अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का प्रतिपादन सर्वप्रथम ब्लैक मैन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे ब्लैक मैन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और यह अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा नामक भाग में संपन्न होती हैं और इसको एक नाम से और जानते हैं, इसे आप C3 चक्र कहते हैं, C3 चक्र कहते हैं। इस चक्र में बनने वाला जो प्रथम अस्थायी यौगिक फास्फोरिक अम्ल में तीन कार्बन अणु होते हैं, इसलिए इसको आप क्या कह सकते हैं, C3 चक्र कहते हैं। और यह चक्र जो है आपको यहाँ पर क्या दिखाया गया है, और आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके जो है लिख दीजिएगा, दोबारा आपको जो है फिर रिपीट करा देंगे। धन्यवाद।